वॉल्यूम होगा एन इंटू बी इंटू एच, तो ये हो गया 10 इंटू 8 इंटू 2, तो दैट इज 160 मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा 160 मीटर क्यूब। सर मुझे थोड़ा नहीं समझ आया सर, हाँ? कि आपने इधर 2 कैसे लाया, हाइट 2 कैसे लाई, 4.2 फीट को नहीं समझ आया आपने। क्या नहीं समझ आ रहा है? सर आपने हाइट को 2 कैसे लाया वो नहीं समझ आ रहा। दिया हुआ है ना बेटा, अपनी तरफ से नहीं ले रहा हूँ। लेंथ 10 मीटर है, ब्रेथ 8 मीटर है और हाइट 2 मीटर है, ये डायमेंशंस आपको दे रखी है। सर 4.2 दिख रहा है वो, हाइट 2 मीटर है। ओके ठीक है, ओके यस सर यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इन द रेशियो ऑफ 6:5:4, इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 5,328 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक क्यूबॉइडल सॉलिड है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ और ये इसकी हाइट, और आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया है 6:5:4। क्या दिया है? 6:5:4, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो है, और आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है 5,328 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज टोटल सर्फेस एरिया। तो आपको एल बी एच की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो लेट सपोज कि एल हो गया 6x, बी हो गया 5x और एच हो गया 4x। ठीक है, अब टोटल सर्फेस एरिया होता है, टू एल बी प्लस टू एच एल प्लस टू बी एच, टोटल सर्फेस एरिया दिया हुआ है 5,328 = 2। एल की जगह रख देंगे 6x, बी की जगह रख देंगे 5x, प्लस एच की जगह रख दिया 2 इंटू एच की जगह रख दिया 4x, एल की जगह रख दिया 6x, प्लस बी की जगह रख दिया 5x, 2 इंटू 5x, एच की जगह रख दिया 4x। ठीक है, तो अब सॉल्व किया 5,328 = ये हो गया 6 5 30 32 30 into 2 60, ये हो गया 60x² प्लस ये हो गया 48x² प्लस 40x, तो ये हो गया 5,328 = 148x². तो x square की वैल्यू हो गई 5,328 / 148। ठीक है, आप एक काम करें, इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 1 4 4 3 12 4 3 12, और ये और ये हो गया 4 3 12 और 7, तो x square आ गया 1,332 / 37। कितना आ रहा है देखो, 36 आ रहा, देखो
x स्क्वायर आ गया 36, तो x की वैल्यू हो गई 6, x की वैल्यू क्या हो गई 6, तो लेंथ कितना आ गया, लेंथ आ गया 6 × 6, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ आ गया 5 × 6, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट आ गया 4 × 6, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So. Next question, dekhiye. Find the number of bricks each measuring 25 cm into 12.5 cm into 7.5 cm required to construct a wall which is 6 meter long, 5 meter height and 50 cm thick. While the cement and sand mixture occupies the 1/20th of the volume of wall. ठीक है, ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है ना, चलिए वॉल्यूम का क्वेश्चन हम थोड़ा सा लेट करते हैं, पहले कुछ सरफेस एरिया के क्वेश्चन कर लेते हैं. चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम विच इज 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर ब्रॉड एंड 32 × 3 meter हाई. आपको लॉन्गेस्ट रॉड है एक रूम के अंदर प्लेस करनी है, तो लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगी, उस क्यूबॉइडल सॉलिड के अंदर जो लॉन्गेस्ट लेंथ होगी वो होगी डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, जो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होगा वो लॉन्गेस्ट लेंथ होगा क्यूबॉइड के अंदर. तो ये लेंथ, ये आपका क्यूबॉइडल बॉक्स, इसके अंदर जो डायगोनल रहेगा वो लॉन्गेस्ट रहेगा, तो आपको इस क्यूबॉइडल रूम के अंदर लेंथ दे रखी है 16 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 12 मीटर और हाइट दे रखी है 32 × 3 meter. तो आपको पूछा है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, सो देखिए लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड जो होगी दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम इज लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या होगा लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या लेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. हो गया 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 32 × 3 का स्क्वायर, तो 16 × 16 256 प्लस 144, हाँ 32 का स्क्वायर कितना होता बेटा 1024/9. ठीक है, तो इसको सॉल्व करें हम, तो देखिए 256 9 एलसीएम आ जाएगा, ये इस तरफ रह गया 256 × 9, तो 256 × 9 2560 में से
1296 प्लस 1024, ठीक है। तो इस सबको ऐड करें तो ये आ जाएगा 4624 डिवाइड बाय 9, कैंसिल नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 4624 का, और 3 का तो स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो गया 4624, 6 6 36, 4624, 6 6 36, ठीक है। तो ये हो गया 6 10 12, 68 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 68, तो 68 बाय 3 मीटर, ये लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगी 68 बाय 3। इज इट क्लियर? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ रूम इज हाफ एज लॉन्ग अगेन एज इट्स ब्रॉड, अ रूम इज हाफ एज लॉन्ग अगेन एज इट इज ब्रॉड, द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग द रूम एट द रुपीज ऑफ 18 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 972, एंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ द फोर वॉल एट 6 रुपीज पर मीटर स्क्वायर is 1080. Find the dimension of room. क्या कैलकुलेट करना है? Find the dimension of the room. ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है और कैसे दिया है, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये आपको एक रूम दे रखा है, क्यूबॉइडल रूम, आपको क्या दिया हुआ है कि द रूम इज हाफ एज लॉन्ग एज एज इट इज ब्रॉड, रूम इज हाफ एज लॉन्ग एज इट इज ब्रॉड, दे दी आपकी लेट्स सपोज कि आपको ब्रेथ दे रखी है x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 3 बाय 2 एक्स, ठीक है, हाफ नहीं है, हाफ एज लॉन्ग एज इट्स ब्रॉड, तो मतलब x प्लस x बाय 2, यानी ये हो गया 3x/2, ये आपको लेंथ दे रखी है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग द फ्लोर इज 972, कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग द फ्लोर इज 972, रेट आपको दे रखी है 18 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, क्या हो जाएगा, कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, तो कॉस्ट है 972 डिवाइड बाय 18, कितना आ गया कॉस्ट 18 5 19 54 मीटर स्क्वायर, फ्लोर का एरिया आ गया 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्लोर देखिए, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया फ्लोर कितना हुआ एल इंटू बी, एल इंटू बी मतलब 54 इज इक्वल टू, एल की वैल्यू है 3x/2 और ब्रेथ है x, ठीक है,
तो ये हो गया 54 इंटू 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी 54 बाय 2 डिवाइड बाय 3, 3 और 18, x स्क्वायर की वैल्यू होगी 36, तो x की वैल्यू होगी 6। तो आपकी ब्रेथ आ गई, 6 मीटर और लेंथ आ गई 9 मीटर। लेंथ और ब्रेथ ये दोनों पता चल गए। अब आपको दूसरा एक रीजन क्या दिया हुआ कि चारों बॉल, ये एक दो, ये तीसरी वाली बॉल और ये सामने वाली बॉल, चार बॉल है, इन चार बॉल को वाइट वॉश करवाया है। वाइट वॉश की जो रेट है वो है 6 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द क्या दिया हुआ है वॉच 6 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट क्या आई है व्हाइट वॉशिंग की, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग आई है 1080। तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि जो चार बॉल है उन चार बॉल का एरिया क्या बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया, क्या बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया 1080 डिवाइड बाय 6, तो 6 × 6 = 48 180 मीटर स्क्वायर। तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया हो गया 180 मीटर स्क्वायर। तो अब हम हमारे को एल की वैल्यू पता चल गई, एल की वैल्यू है 9 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू है 6 मीटर। हाँ बेटा सर मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया सर, ये साइड वाला पार्ट। देखो आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो चार वॉल्स हैं, ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी और ये सामने वाली चौथी, इन चारों वॉल्स को व्हाइट वॉश करने का जो रेट है वो 6 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, और टोटल कॉस्ट आई है 1080 रुपीज। तो टोटल कितना एरिया वॉश हुआ, 6 रुपीज। हाँ 6 रुपीज है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का रेट है 6 रुपीज, तो और टोटल कॉस्ट आई है 1080। तो टोटल कितना एरिया व्हाइट वॉश हुआ, 1080 डिवाइड बाय 6, कितना एरिया व्हाइट वॉश हुआ 180 मीटर स्क्वायर, कितना एरिया व्हाइट वॉश हुआ 180 मीटर स्क्वायर। अब ये लेटरल सरफेस एरिया है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2HL + B, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया है 180 इज इक्वल टू 2 इंटू एच एल प्लस बी 9 + 6, तो 180 इज इक्वल टू 2 इंटू एच इंटू 15, तो 180 इज इक्वल टू 30H, तो H की वैल्यू हो गई 180 डिवाइड बाय 30, H की वैल्यू हो गई 6 मीटर। तो लेंथ हो गया 9 मीटर, ब्रेथ हो गया 6 मीटर और हाइट भी हो गई 6 मीटर। इज इट क्लियर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है और ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट है, और पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, देखिए ये फ्लोर है तो फ्लोर का पेरीमीटर हुआ 2L प्लस बी और ये दे रखा है 250 मीटर। कितना दे रखा है? 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश द वॉल्स, व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स इज ₹15,000। रेट क्या है? रेट दे रखी है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। चार वॉल का यदि हम एरिया कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या आया? टू एच एल प्लस बी। एग्जैक्टली इसमें क्वेश्चन हमें पूछा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हमें हॉल की हाइट पूछी है। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है लेटरल सरफेस एरिया पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 15,000 और रेट दे रखी है ₹10, तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया 1500 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट से रेट, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर लिया रेट से, तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया जिसको हमने पेंट किया। द एरिया ऑफ फोर वॉल्स व्हिच हैज टू बी पेंटेड इज 1500 मीटर स्क्वायर और इसको इक्वल कर लेंगे 2HL+B से। तो 1500 इज इक्वल टू 2L plus B into H। अब 2L plus B की वैल्यू है 250, that is perimeter। ये 2L plus B की वैल्यू आपको दे रखी है 250, तो H की वैल्यू हो जाएगी 1500 divided by 250। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 30 divided by 5, ठीक है, तो 6। हाइट ऑफ द हॉल कितनी आ गई? 6 मीटर। Is it clear? Yes, sir. नहीं बेटा, रिजॉइन नहीं होना है, लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन है, अ पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक आपका पेंट का एक कंटेनर है आपके पास, और पेंट का एक कंटेनर टोटल कितना एरिया पेंट कर सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। कितनी ब्रिक्स जो डायमेंशन दे रखी है ब्रिक की, उससे कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है वो आपको बतानी है। सो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया? एरिया टू बी पेंट by container, that is 9.375 meter square। तो उसको मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ब्रिक की डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखी है। तो 9.375 into 100 into 100, एक दो तीन, ये एक दो और ये तीन, तो 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया एक कंटेनर से पेंट हो सकता है, ठीक है। नाउ तो ब्रिक की डायमेंशंस, ये ब्रिक आपको दिया हुआ है छोटा सा क्यूबॉइडल, ब्रिक का लेंथ है आपको दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 22.5 सेंटीमीटर।
और ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ है सॉरी हाइट दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले एरिया ऑफ वन ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक वो आ जाएगा 2lb + bh + hl। अब मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करनी है तो मैं पहले बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स ये हो जाएंगी दैट इज टू बी पेंटेड बाय द कंटेनर इज टोटल एरिया विच हैज टू बी पेंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो टोटल एरिया नहीं बेटा, टोटल एरिया है 93,750 और एरिया ऑफ वन ब्रिक हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया 2 22.5 × 10 + 10 × 7.5 + 22.5 × 7.5। ठीक है, इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो टोटल सरफेस एरिया ब्रिक का आ जाएगा, वन ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने डिवाइड कर लिया 937.5 एक एरिया, एक ब्रिक का एरिया। तो ये डेसिमल गया, ये 10, ये 1 और ये 10। तो टोटल कितनी ब्रिक्स प्रिंट हो जाएगी, 100 ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी प्रिंट हो जाएगी, 100 ब्रिक्स। इज इट क्लियर? So, ये वैरायटी के क्वेश्चन हमने अभी आज हमने क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर उनके वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ओके।